नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं एक नई रिक्वायरमेंट के साथ। और इसमें स्टाफ नर्स और वार्ड अटेंडेंट की पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट चाहिए, क्या पर मंथ पेमेंट मिलेगी, उन सभी के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पाण्डुचेरी के द्वारा। पाण्डुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यानी जो यूनियन टेरिटरी है, इसके अंदर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। इसमें बात करें तो स्टाफ नर्स की टोटल 50 पोस्ट हैं, 20,000 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलेगी। वार्ड अटेंडेंट की टोटल 123 पोस्ट हैं और 8,000 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलेगी, टीडी अलग रह जाता है। कैटेगरी वाइज ये पोस्टों का डिवीजन ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल लानिया क्लासेस से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं इनकी एज लिमिट की। तो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नर्स के लिए। अगर वार्ड अटेंडेंट की बात की जाए तो इसके लिए भी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नर्स की बात की जाए तो डिग्री नर्सिंग या फिर यानी BSc नर्सिंग या फिर आपने GNM की है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका कोई भी स्टेट हो तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड अटेंडेंट के लिए आपके पास की होनी चाहिए SSLC यानी सीनियर सेकेंड लेवल जो सर्टिफिकेट होता है वो। एज लिमिट में छूट की बात की जाए तो जो MBC OBC SC कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेबल मिलेगी अपर एज लिमिट के अंदर। अब बात करते हैं इनकी अन्य जो सिलेक्शन प्रोसेस की है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो 100 नंबर का पेपर होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 1 करेक्ट ऑप्शन है, 3 गलत होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। जिसमें अगर बात की जाए तो नर्सिंग फाउंडेशन से, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, न्यूट्रिशन से, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से, और साइक्ट्रिक नर्सिंग से, ऑब्स्ट्रिक एंड गायनिक नर्सिंग से, पेड्रिटिक नर्सिंग से, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, ऑप्टोमोलॉजी नर्सिंग से, ENT एंड ऑर्थोपेडिक नर्सिंग से, जियरेटिक नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यानी बात की जाए तो ऑल ओवर जो नर्सिंग से सब्जेक्ट से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। वार्ड अटेंडेंट की बात की जाए तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सिलेबस की बात की जाए तो जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस से, जनरल मैथमेटिक्स से। और जो क्वेश्चन पेपर का लेवल रहने वाला है वो SSLC स्टैंडर्ड का होगा। और आपको जो भी आंसर है वो OMR शीट पे डालने पड़ेंगे। क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, बाइलिंगुअल नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पेपर होगा। अन्य जिसकी टर्म एंड कंडीशन से कॉन्ट्रैक्ट की वो आप देख सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस की बात कीजिए तो 250 रुपये फीस है नर्स के लिए और 200 रुपये फीस है वार्ड अटेंडेंट के लिए। अब किस प्रकार आप अप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो अप्लीकेशन आप डाल सकते हैं ये ऑफिशियल साइट, इस ऑफिशियल साइट पे जाके। और ये स्टार्ट हो चुके 25/7/2019 से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 30/8/2019 शाम को 5 बजे तक। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कितनी फ़ोटो के साइज़ होना चाहिए, यानी फ़ोटो की जो साइज़ है वो 150 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पूरी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल साइट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट की एक बार फिर बात कर लेते हैं। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 30/8/2019 को। और ये आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।